वेलकम दोस्तों, फिर दोबारा हमारे YouTube चैनल में मैं फिर एक लेके आया हूँ आपके लिए कि आप किस तरह से इंडिया से नेपाल पैसे कैसे भेज सकते हैं और कौन कौन से QR कोड की आवश्यकता पड़ती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा बिना स्किप किए। आप देखेंगे तो आपको एक एक डिटेल और आपको करके दिखाऊंगा कि ये 100% होता है। सबने बोला मेरी पिछली वीडियो में फेक है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये होता है। अब फोन पे से आप भेज सकते हैं, कौन कौन से QR कोड पे भेज सकते हैं ये भी पूरी आपको इस वीडियो में जानकारी बताने वाला हूँ। आपको करना क्या होता है, अभी क्या कर रखा है फोन पे ने, जितने भी नेपाली QR कोड हैं, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं शॉप में, दुकान में, रेस्टोरेंट पे, होटलों में, उन QR कोड पर ही लागू कर दिया गया है। कौन कौन से बैंक से आप कर सकते हैं और कौन कौन से वहाँ के QR कोड पे आप स्कैनिंग कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और मैं करके भी दिखाऊंगा। आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो देखें, सबसे पहले देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट पे ये देखिए मैंने 100% सक्सेसफुल करके दिखा दिया है। उस स्क्रीनशॉट पे आपको पूरा डिटेल दिख रहा होगा। यहाँ पर पशुपति इंटरनेशनल के नाम से है, इस QR कोड मैंने करके दिखा दिया। अब उसको करना कैसे है मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह से किया जाता है और कैसे कराया जाता है। अभी क्या कर रखा है कि फोन पे ने सिर्फ उन्हीं पे ही लागू कर रखा है और उसके अलावा किसी पे लागू नहीं कर रखा। अभी महीने हफ्ते में वो चीज़ भी लागू हो जाएगा जो पर्सनल, जैसे हम एक दूसरे को भेजते थे उसमें हो जाएगा। तो आपको मैं पूरी दूंगा, अब बिना स्किप किए आप मेरी ये पूरी वीडियो देखिए। सबसे पहले करना क्या है, अपने फ़ोन पे अगर आपने इंस्टॉल कर रखा होगा तो सबसे पहले आपको फ़ोन पे इंस्टॉल कर लेना है। अगर फ़ोन पे इंस्टॉल कर रखा होगा तो आपको फ़ोन पे ऑन कर लेना है। जैसे ही फ़ोन पे ऑन करेंगे तो आपके स्क्रीन में, आपके फ़ोन पे में इस तरह से नज़र आएगा, जिस तरह मेरे स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे हैं। और तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपके यहाँ पर जब आपका जहाँ पर प्रोफाइल होता है फोन पे का, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपको खुल जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगे। तो नीचे ऑटो पे और इंटरनेशनल पेमेंट पे आपको क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से खुलेगा। फिर यहाँ पर आपको ये कुछ मेरे बैंक है उसकी डिटेल दिखेंगे, इनको एक्टिव करना है। अभी कौन कौन से बैंक से जाएगा मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो मैं सबसे पहले नीचे जो है मेरा कैनरा बैंक, उसको मैं एक्टिव पे क्लिक करके एक्टिव कर रहा हूँ। एक्टिव में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से खुलेगा, ये खुल रहा है, ये खुल गया। और इसमें लिखा है UPI इंटरनेशनल इज एक्टिव फ्रॉम 5 मार्च 2014 टिल 2 जनवरी तक मेरा ये एक्टिव है, मतलब मेरे को इसने 2 महीने के लिए अभी एक्टिव कर रखा है। तो ये मेरा एक्टिव हो गया है। अब जिस तरह देख सकते हैं मैंने पूरा अपने स्क्रीन पे अब एक्टिव कर दिया है। अब इसको क्या करना है, अब आपको जैसे यहाँ पर एक्टिव होने के बाद आप आगे जाएंगे तो आपके पूरे अपने होम स्क्रीन में आना है। होम स्क्रीन में आने के बाद आपको यहाँ पर QR कोड के कुछ दो और नीचे ऊपर दोनों तरफ उसको दिख रहे होंगे, इनमें से किसी में भी एक को आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर स्कैनर पर जाता हूँ और स्कैनर पर क्लिक करता हूँ। तो स्कैनर पर जाने के बाद मैंने एक QR कोड लिया था, उसको मैं स्कैन कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा हो गया, स्कैन होने के बाद ये देखिए यहाँ पर इस तरह आ गया, या NPR मतलब आप मतलब नेपाल में पैसे भेजते हैं तो NPR आ रहा है। तो यहाँ पर NPR आएगा और नीचे आएगा पशुपति इंटरनेशनल, पशुपति इंटरनेशनल आया तो यानी वो जो नेपाल का है उसमें मैंने भेज रहा हूँ पशुपति इंटरनेशनल। आप इसको कहते हैं मैंने इससे पहले भी एक इससे पहले भेजा था तो उसको मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, उसके मैंने बैग गया यहाँ NPR। NPR में मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट टाइप करूँगा और ये मैंने 10 रुपये टाइप किया, यानी 10 रुपये जब टाइप किया तो 6 रुपये 25 पैसा इंडियन जा रहा है। नीचे भी आ रहा है टोटल पेमेंट इन क्या नाम है INR लिखा है। उसके बाद यहाँ देखिए एक्सचेंज रेट लिखा है 1 रुपये का, जो 63.63 जो पैसा जो इंडिया का होता है वो जाता है। इसको देखिए यहाँ पर उसके बाद मैं करेंगे तो मैं पे कर रहा हूँ। मैं पेमेंट में करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं जो कैनरा बैंक मेरा है उससे मैं पेमेंट करूँगा। यहाँ पर देखिए 6 रुपये 25 पैसे यानी 6 रुपये 25 पैसा यहाँ का, वहाँ पर 10 रुपये हो जाता है। तो मैं अब इसको इस तरह से पेमेंट करता हूँ। तो पेमेंट करने के बाद मैंने अपना वो डाल दिया, अब यहाँ पर हो रहा है ये देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग भी चल रहा है। ये देखिए ये 100% सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर देखिए पशुपति इंटरनेशनल सब रेमिटेड रेमिटेड में मतलब ये कर दिया और आपको यहाँ पर 10 रुपये सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पर मेरा ऊपर मैसेज आ गया
और ये देखिए 6 रुपये 25 पैसे मेरा डेबिट हो चुका है। ये मैंने कर रखा है 5 मार्च 2024, मतलब 5 तारीख को मैंने कर दिया इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर पूरा मेरे अमाउंट से भी आ गया या मैसेज भी आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं और ये कोई फ्रॉड नहीं है। अभी सिर्फ क्या है कि जो पिछली जो वीडियो मैं दिखाया था किस तरह से आपको एक्टिव कर रहा है इंटरनेशनल, ये सारी मेरी वीडियो में मैं आइक बटन में भी ये सारी डिटेल दे चुका हूँ। और आप किसी को अगर भेजना है तो वहाँ पर किसी का QR कोड ले सकते हैं, जिसका शॉप हो, दुकान हो या किसी रेस्टोरेंट हो, उन पे आप भेज सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। और पर्सनल अभी नहीं भेज सकते, वो हो जाएगा महीने भर या हफ्ते दिन में वो एक्टिव हो जाएगा। आप मेरे स्क्रीन में देखिए अभी भी आपको यहाँ पर सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कंट्री में आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया, अब फिर टिकट ये करते हैं, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आएंगी। पेमेंट इशू प्रोफाइल, पेमेंट्स एंड मनी ट्रांसफ़र, आपको करना क्या है, आपको मनी ट्रांसफ़र पे यहाँ पर क्लिक करके आपको देखना है कौन कौन सी कंट्री में। जैसे ही मैंने करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या मनी क्या सेंड मनी सेंड मैसेज UPI इंटरनेशनल के नाम है, UPI ATM ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट ग्रुप फोन पे, मतलब काफ़ी इसमें करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आपने करना क्या है, व्हाट इज़ UPI इंटरनेशनल ऑन फोन पे, पर आपको उसमें क्लिक करके करना है। तो यहाँ पर देखिए भूटान सिंगापुर नेपाल और UAE में आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको उस पर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बताऊँगा कौन कौन से बैंक यहाँ पर सपोर्ट करता है। आपको थोड़ा सा नीचे करना, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक हैं, कौन कौन से बैंक आपको नेपाल भेजने के लिए सपोर्ट करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, द फेडरल बैंक लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, ये काफ़ी सारे साउथ इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल सिंध, और इस तरह से इन बैंकों के थ्रू आप नेपाल में पैसा भेज सकते हैं। अभी ICICI, HDFC और क्या कहते हैं स्टेट बैंक ने नहीं लागू नहीं कर रखा, तो आप इन बैंकों के थ्रू आप कर सकते हैं। आपको मैंने पूरी जानकारी दी है इस वीडियो में, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये 100% होता है और मैंने भी करके देखा है। आप भी ट्राई करिए कि श्योर का QR कोड, मैंने फिर भी अपने इस पे जिसमें मैंने भेजा उस पे QR कोड डाल दिया है, आप उस QR कोड पे आप भेज सकते हैं। आई होप मेरा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे बेल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, ताकि अच्छी सी मैं वीडियो आपके ले सकूं। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो आगे पैसा भेज सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।